गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए पोएम द वॉइस ऑफ रेन विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन एंड प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10+1. वी रीड इट फ्रॉम स्टेंजा. व्हाट आर्ट दाउ, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. कि तुम कौन हो, मैंने जो कोमल गिरती हुई बौछार है उससे पूछा. कवि कह रहा है ये, विच ट्रेंस टू टेल, जो कि बताते हुए अजीब लग रहा है. गिव मी एन आंसर, उसने मुझे उत्तर दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसे कि उसका उत्तर यहाँ पे अनुवाद किया गया उसके उत्तर को. आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, कि मैं धरती की कविता हूं. सेड द वॉइस ऑफ रेन, जो वर्षा की आवाज है उसने कहा. एटर्नल आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी. एटर्नल, एटर्नल मतलब बाह्य रूप से. आई राइज, मैं उदय होती हूं या मेरा उदय होता है, निर्माण होता है. इम्पालेबल आउट ऑफ लैंड, की अनंत रूप से धरती से, और जो बॉटमलेस सी है, जिस जो तल रहित समुद्र है, जिसके तल का पता ही नहीं कि वो कितना गहरा है, वहां से मेरा उदय होता है. अपवर्ड टू हीवन, वेंस वोग्यूली फॉर्म्ड एंड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. अपवर्ड टू हीवन, फिर कहती है कि मैं स्वर्ग की तरफ ऊपर उठती हूँ. वेंस वोग्यूली फॉर्म्ड, जहां पे मेरा अस्पष्ट रूप से अजीब तरीके से निर्माण होता है. अजीब तरीके से निर्माण होता है मतलब यहां से पानी के रूप में जाती है, लेकिन वहां पे वो वाष्प के रूप में, यहां से जो है वाष्प बनकर जो है धरती से वो उड़ जाती है. ऑल टूगेदर चेंज्ड, जहां पे मैं बदल जाती हूं, बादलों में चला जाता है वाष्प. एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी वही रहती हूं. वही रहती हूं मतलब जब वो वर्षा के रूप में बरसती है तो वो वापिस पानी रूप में आ जाती है. आई डिस्केंड टू लेव द ड्रोट्स, कि मैं धरती पर जो अकाल है, ड्रोट क्या होता है अकाल, और लेव का मतलब होता है धोना. अटोमीज, जो कण हैं, या फिर डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, या फिर संसार की जो धूल की परतें हैं, उन सभी को धोती हूं. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर मियर सीड्स ओनली, तो मेरे बिना ये सब जो है वो क्या है, केवल बीज हैं. लेटेंट और अनबोर्न, की अजन में और छिपे हुए. लेटेंट का मतलब होता है छिपा होना, और अनबोर्न का मतलब अजन्मा. उसके बाद है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, और हमेशा के लिए दिन रात मैं अपने ही जन्म स्थान को वापिस जिंदगी प्रदान करती हूँ. जिंदगी प्रदान करती हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्षा होती है जब, तो जो बीज पड़े होते हैं धरती के अंदर, जमीन के अंदर, वो फूटने लग जाते हैं और उगने लग जाते हैं वो, तो वापिस से वो जीवन देती है, उनको जीवन दान देती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसको पवित्र करती है और सुंदर करती है. किसको? धरती को ही. फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रैक्ड एंड अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स. तो यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि सॉन्ग भी एक ऐसा ही चीज है, पोइम भी एक ऐसी ही चीज है, कि इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो कहाँ से उठती है? अपने जन्म स्थान से उठती है. कोई भी पोइम, कोई भी कविता या कोई भी गीत, उसका जन्म स्थान कौन सा होता है? हृदय होता है कवि का या फिर सिंगर का. आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब गाए जाने के पश्चात या फिर पूर्णता प्राप्ति के पश्चात. वंडरिंग रैक्ड एंड अनरैक्ड, की भटकते हुए. रैक्ड का मतलब होता है पहचानना या फिर ना पहचानना, कि कोई पहचाने या ना पहचाने. ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और फिर प्रेम के साथ जो है वापिस अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाती है. तो ये हमारी पोइम थी वॉइस ऑफ रेन दैट इज कवर्ड. थैंक्स अ लॉट. बी सेफ एंड स्टे एट होम.